नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से चर्चा में जुड़ेंगे, खास मेहमान भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। तमिलनाडु की डीएमके सरकार को घेरा, कहा डीएमके शासन में बड़ा भ्रष्टाचार। पीएम ने तमिलनाडु में भाजपा द्वारा बाजी पलटने का किया दावा। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लगा झटका। पूर्णिया से आरजेडी तो वहीं बेगूसराय सीट सीपीआई के हिस्से में आई। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह भाजपा में हुए शामिल, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का बनना चाहता हूं हिस्सा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ा जोर। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया प्रचार। गढ़वाल में पुष्कर सिंह धामी ने अनिल बलूनी के लिए मांगे वोट। वहीं डीएमके नेता उदय निधि स्टालिन ने पोन्नेरी में किया रोड शो। और देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनाथु बूथ वलिमयाना बूथ यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत का ये कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़ने और सीखने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार और उसके सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा तमिलनाडु में बाजी पलटने वाली है। उन्होंने कहा डीएमके जैसे राजनीतिक दल मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से डरते हैं और इसीलिए वे इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने नहीं देते। बात करेंगे बिहार की। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में काफी लंबी जद्दोजहद के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर अपने दावेदारी जता रहे थे, जबकि ये सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं जहां से पहले कभी ना कभी पप्पू यादव चुनाव लड़े हैं, जिनमें सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। बेगूसराय से फिर खड़े होने की तैयारी कर रहे कन्हैया की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। गठबंधन के तहत ये सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव के सवाल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गठबंधन पार्टी का होता है, न कि व्यक्ति विशेष का। सीट बंटवारे को लेकर केवल आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही सारी बातें कही, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खामोश नजर आए। पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। पूर्णिया से आरजेडी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता चाहती है कि यहां मेरे द्वारा कांग्रेस का झंडा स्थापित हो। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता और पार्टी के फैसले के आधार पर ही वो कोई निर्णय लेंगे। पूर्णिया की जनता चाहती है कि
पप्पू के हाथ में कांग्रेस का झंडा हो और कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में जनता के आशीर्वाद से स्थापित हो। लंबी फाइट लड़ेंगे तो ये तो नेतृत्व न बताएगा आपको, यहाँ ही बता रहे हैं। पप्पू यादव का निर्णय जो पार्टी का निर्णय होगा और जो जनता पूर्णिया की चाहेगी हम वही करेंगे। बिहार में महागठबंधन द्वारा सीटों की घोषणा किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परम सत्य यही है कि महागठबंधन को इन चुनाव में करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी लुटेरी पार्टी है और भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनके डीएनए में है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये लुटेरे पार्टी है, स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है और भ्रष्टाचार भी करना जानते हैं। लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ही काम किया। तो सियासी गर्मी के साथ बयानों का सिलसिला भी जारी है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सलमान हैदर पटना से और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। सलमान, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आरजेडी का कहना है ये संतुलित गठबंधन है जबकि जो पप्पू यादव के सुर हैं अभी भी तेवर उनके वही हैं, किस तरह से क्या कुछ देखते हैं इस पर? देखिए, अभी भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की और पप्पू यादव शायद इंतजार कर रहे हैं अपने हाई कमान का, जैसा कि अभी उन्होंने कहा भी कि जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। हालांकि ये भी साथ साथ वो कहते हैं कि मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो ये दो बातें हैं और लगातार कह रहे हैं। आरजेडी इसमें जो मास्टर शेयर था, जो लायंस शेयर था, वो ले चुकी है 26 सीटों का और बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं नहीं पूरी हुई हैं। जैसा कि आपने कहा कि कन्हैया कुमार भी लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय सीट चली गई है सीपीआई को और वहां से बिल्कुल एक जो बड़ा शेयर है वो आरजेडी के पास गया है और कांग्रेस के जो दोनों नेता हैं उनकी आकांक्षाओं को एक झटका लगा है। विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ संतुलन आप देखते हैं क्योंकि आरजेडी का दबदबा इसमें दिखाई दे रहा है और केवल सीटों के बारे में नहीं, जो मंशा आरजेडी की थी, जिन सीटों को आरजेडी चाहती थी कि वो उनके पास आए वही उनके पास हैं जबकि कांग्रेस जो चाहती थी वो नहीं हुआ है, किस तरह से देखते हैं? नमानी, बिल्कुल आपने ठीक से इसको विश्लेषण किया है। एक तो आप देखिए, पिछले काफी दिनों से ये एक्सरसाइज हो रही थी गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को बिहार में, जहां पर ये समझा जा रहा था कि बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि खासतौर से जब से नीतीश कुमार जी वहां से निकले हैं तो लग रहा था कि अब पार्टी के पास, दोनों पार्टियों के पास काफी सीटें हैं और आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। पहली बात तो ये हुआ कि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, जो लग भी रहा था कि उन्हें ही मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मसला है कि कांग्रेस को कम सीटें तो मिली हैं लेकिन फिर भी उसकी मनचाही सीटें उन्हें नहीं मिली। आप देखिए, पप्पू यादव अभी कांग्रेस में शामिल हुए, लालू यादव से मुलाकात के बाद भी यहां पर शामिल हुए। पप्पू यादव का खैर दूसरा एक किस्सा तो ये भी है कि जो बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो उनकी जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो वो वहां पर आए नहीं थे, हाजिर नहीं रहे थे, यानी उनकी नाराजगी तो अलग है। लेकिन कांग्रेस के और लालू यादव, तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात की, इसका मतलब लग रहा है कि कांग्रेस पर इतना दबाव है कि वो आरजेडी के आगे न केवल नंबर्स में घट गई है बल्कि जो अपनी मनचाही सीट है, आप सोचिए मधेपुर, ये पूर्णिया की बात नहीं है, पप्पू यादव पूर्णिया मधेपुरा और सुपौल, तीन सीटें हैं जहां पप्पू यादव लड़ सकते थे, उनमें से पूर्णिया आपने बीमा भारती को लाकर दे दी तो वो साफ ही कर दिया, आरजेडी को मिल गई और आरजेडी ने यह भी तय कर दिया कि पप्पू यादव अपनी पसंद की किसी भी सीट से, जो मधेपुरा भी हो सकती थी, जो सुपौल भी हो सकती थी, वो भी नहीं दी। यदि 2019 का चुनाव देते बेगूसराय से लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर कन्हैया कुमार लड़े थे, अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए हैं तो वो सीट भी आरजेडी ने कांग्रेस की बजाय लेफ्ट को दे दी है। तो इसका मतलब इस पूरे गठबंधन में एक मजबूरी थी कि भाई अब ये तो बनाना ही है, अब ऐसे सिर पर आ गए हैं जनाब। तो बिल्कुल एक बड़ा सवाल विजय जी यही आता है कि कांग्रेस की आखिरकार ऐसी मजबूरी क्या है, जो नेता उनके पास शामिल हो रहे हैं वो उनकी आकांक्षाओं पर भी खरी नहीं उतर पा रही है, अपनी बात भी नहीं रख पा रही है या उस पर जो अमल है वो नहीं करवा पा रही। जी वही तो बात कर रहा हूँ, इससे समझ में आता है कि लालू यादव या आरजेडी के दबाव में जिस तरह से कांग्रेस ने ये गठबंधन किया, इसका मतलब कांग्रेस की जमीन आरजेडी और जो उसके गठबंधन दल है वो भी समझ रहे हैं कि उनकी कोई जमीन नहीं है।
पहले तो बात थी कि किशनगंज एक सीट है जहां पर कांग्रेस जीती है, वो ले ली जाए, और उनको लगता है आरजेडी को कि जितनी सीट कांग्रेस को दी जा रही है वो नुकसान की सीट है, उतना ही जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा। इसलिए आरजेडी ने बहुत दबाव बनाया और ये बात समझाई कि भाई जो सीटें जीतनी है वो आरजेडी के पास रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको कांग्रेस को एक तो कम सीटें मिली और जो सीटें उनकी पसंद की थी जिन सीटों पर वो निकाल सकते, बेगूसराय में जो कन्हैया कुमार है एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते, पिछली बार भी उन्होंने कड़ी चुनौती दी थी। पप्पू यादव भी एक ठीक ठाक से नेता, भले वो चुनाव हार गए लेकिन उनकी लोकप्रियता है, पूर्णिया में भी उन्होंने काम किया है, मधेपुरा से भी वो चुनाव लड़े, सुपौल से भी चुनाव लड़े, लेकिन तीनों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दे आरजेडी। इसको मैं नहीं समझता कि कैसा सम्मानजनक गठबंधन कहा जाए। और फिर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में पप्पू यादव की को शामिल कराया जाए, यदि बिहार के नेता के तौर पे बिहार के चुनाव में उन्हें शामिल करना है तो पप्पू यादव को बिहार प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में शामिल कराना चाहिए था। अब भी पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया की जनता जो तय करेगी उससे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पप्पू यादव बागी होकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो तीनों ही सीटों पर। बिल्कुल बहुत सही आपने इसका एक वो दिया है कि क्या कुछ आगे हो सकता है। सलमान आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो असंतुलन है वो साफ दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस मजबूर है कई क्षेत्रों में, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के उनका क्या रिएक्शन है, क्या इस जो सीट शेयरिंग है इस असंतुलन का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, और दूसरा पप्पू यादव की रणनीति क्या होगी, हालांकि वो कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का झंडा है और इसी सीट से है बरकरार रहेगा। देखिए रमा, बात यह है कि कांग्रेस का जो जमीनी स्तर का जिसे हम कहें बूथ लेवल का संगठन बहुत मजबूत नहीं है अन्य दलों के मुकाबले, लेकिन ये जो फैसला है, जो गठबंधन ने जो फैसला किया है, सीटों का बंटवारा किया है, इससे वो और हताश हुए हैं और उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल भी, चूंकि आरजेडी ने पूरा अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है और आरजेडी कई मामलों में, जैसा कि अभी त्रिवेदी जी कि कांग्रेस की कई सीटें कंप्रोमाइज हुई हैं जहां से कि वो शायद उनकी स्थिति मजबूत रहती चुनावों में। बेगूसराय एक है, हालांकि वो सीपीआई की पुरानी सीट है और कन्हैया कुमार पिछली बार भी वहीं से लड़े थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और अब कांग्रेस को उसे देने का ऐसा इरादा नहीं हुआ गठबंधन के लोगों का, तो सीपीआई नेचुरल वहां पर अपना क्लेम उसका रहा है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा जो सांगठनिक स्तर पर बहुत तैयारी नहीं लगती है चुनाव लड़ने की, और कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है और गठबंधन पर इसका असर जो है वो पड़ेगा, साफ दिख रहा है वो साफ। बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन, अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं, कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना। हाँ। तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद जनादेश में फिर से आपका स्वागत है और हम अपने संवाददाता सलमान हैदर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बिहार से, जिन्होंने अभी बताया कि महागठबंधन में जो दरार है वो अभी भी भरती नजर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमरवाड़ा के कांग्रेसी विधायक कमलेश शाह आज भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका पार्टी में स्वागत किया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूरी ने चमोली के थराली में रोड शो किया। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं अब की बार 400 पार के नारे रोड शो में। वहीं तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पुनेरी में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उदयनिधि स्टालिन ने इस मौके पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई ने तमिल मनीला कांग्रेस उम्मीदवार वीएन वेणुगोपाल के लिए श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान भाजपा नेता ने वेणुगोपाल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल के अलावा इस क्षेत्र का विकास कोई और नहीं कर सकता है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने रोड शो किया। कंगना रनौत ने कहा कि लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी का प्रतिनिधित्व करेगी। विकास का मुद्दा हमारे लिए मुख्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे उस दिशा में हम काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने संसद में मौजूदा लोकसभा सांसद अगाथा के संगमा को मेघालय का राजदूत करार दिया है। एनपीपी के गढ़ नॉर्थ गारो हिल्स में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि उनकी बहन अगाथा संगमा दिल्ली में नेतृत्व के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि राज्य को योजनाओं में अधिकतम हिस्सेदारी मिले। वहीं यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा है। रुचि वीरा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझ पर जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। देखिए चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है, 1-to-1 इलेक्शन है, और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ इस क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए शायद मुझे सही समझा होगा जो यहाँ भेजा है मुझे। और ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं सभी लोगों से, हर धर्म के लोगों से, कि निराशा उन्हें नहीं मिलेगी, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने देश की 140 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया राज को खत्म कर दिया गया है जिससे प्रदेश के नागरिक और व्यापारी दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मोदी जी की 140 करोड़ का भारत भी उनका परिवार है। देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है।
तो सभी दलों के हैं जीत के अपने अपने दावे, और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं इस वक्त। विजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, और देश भर में हमने देखा कि जो कैंपेन है, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विशेषकर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो सबकी नज़र रहती है इस पर। यूपी में जिस तरह से आप देख रहे हैं एनडीए, और जो वहाँ पे भी जो महागठबंधन के सदस्य हैं उनकी स्थिति, विशेषकर अगर हम सपा की बात करते हैं, तो लगातार जिस तरह से कैंडिडेट को बदलने का सिलसिला वहाँ पर जारी है, क्या वजह आप देखते हैं, क्यों असमंजस में है समाजवादी पार्टी वहाँ पर? दावा वो भी कर रही है सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का। सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा तो सभी लोग कर रहे हैं रमा जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिनके कैंडिडेट भी अभी तय नहीं हो रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी वहां इस बार स्वीप करने का दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटों पर आ जाए। मुझे लगता है कि 80 सीटें नहीं भी आए तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा शेयर जो है वहां पर पिछले बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा अभी लग रहा है कि किस तरह से है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो है ही, लेकिन जो मदद कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की है। समाजवादी पार्टी का जैसे आपने सीखा वो बिल्कुल ठीक है कि सीटों का, पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बात होती थी, तो सीट हो गई। उससे पहले गठबंधन में आप देखिए कि वहां पर भी, जैसे बिहार में नीतीश कुमार चले गए थे एक बड़े गठबंधन से, अब तो यहाँ पर यूपी में आरएलडी जो है, यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार कर रहे थे आरएलडी के कैंडिडेट का, तो वो एक बड़ा गठबंधन था जो वेस्टर्न यूपी में उनकी मदद कर सकता था, वो वहां पर नहीं है। बीएसपी जो पार्टी गठबंधन में हो सकती थी वो नहीं है, और समाजवादी पार्टी में अभी रुचि वीरा का जिक्र आप कर रहे थे कार्यक्रम में, दिखा भी रहे थे, तो रुचि वीरा कैसे आई? वो अखिलेश यादव का आभार तो जता रही है, लेकिन क्या अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की वो चॉइस थी कैंडिडेट के तौर पर? इससे पहले तो वहां जो सिटिंग एमपी है एसटी हसन साहब, ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि किसी पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए, मतलब सिंबल दे दिया जाए वहां पर नॉमिनेशन के लिए, तो पर्चा भी भर दिया उन्होंने, नॉमिनेशन हाँ पर्चा भर दिया, और दूसरा फिर कैंडिडेट, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, उन्होंने ही एसटी हसन साहब जो सांसद भी है, सिटिंग सांसद भी है, उनको टिकट दिया। फिर क्या मजबूरी रही मुझे नहीं पता कि फिर वहां पर बदलकर रुचि वीरा को दिया गया, और 3 दिन तो इसी कंफ्यूजन में रहे। अब वहां पर मुरादाबाद में लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा होगी या समाजवादी पार्टी में रुचि वीरा वर्सेस एसटी हसन साहब होगी, अभी तो ये तय होना बाकी है ना। रामपुर में भी करीब करीब यही स्थिति है, रामपुर में भी कैंडिडेट को लेकर समाजवादी पार्टी में बार बार अदला बदली की बात होती रही। तो बहुत सारे जगहों पर समाजवादी पार्टी अपने, वहां पर शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के बीच में भी कुछ खींचतान चलती रही किन किन कैंडिडेट को क्या किया जाए। बदायूं में भी जिस तरह से एक कैंडिडेट, मतलब शिवपाल जी को लाए गए और पहले कैंडिडेट से उनको बदला गया, तो बहुत सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन बरकरार है। और ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप का होल्ड मुलायम सिंह जी के वक्त में समाजवादी पार्टी पर और समाज पर होता था, सोसाइटी पर होता था, खासतौर से वो माइनॉरिटी के बड़े नेता माने जाते थे, एमवाई समीकरण के लिए कहीं ना कहीं विरोधा के तौर पर देखा जाता था, वो आज नहीं दिखाई दे रहा वो जी आत्मविश्वास दरकता हुआ कहीं ना कहीं, विजय जी समझना चाहेंगे लगता है, क्योंकि कुछ जो सीट पर नेता बदले थे वो ये भी खबर है कि आजम सिंह से मिलने के बाद बदले, तो उस प्रभाव से भी मुक्त अभी समाजवादी पार्टी नहीं हो पा रही है। और एक खबर ये भी है कि बड़ी संख्या में जो लीडर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तमाम नेता, अगर देश भर की हम बात करते हैं विभिन्न दलों के, तो क्या इसे देखते हैं कि जो अन्य दलों, जो अन्य दल हैं अपने नेताओं में विश्वास कायम नहीं कर पा रहे, या बीजेपी की जो रणनीति है वो लोगों को भा रही है? इसमें दो वजह मुझे लगती है रमा जी, एक तो वो जो नेता हैं उनकी पार्टी के, उनमें उनका एक भरोसा कम हुआ, दूसरा कोई भी कैंडिडेट अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखता है कि वो कहां पर उसके लिए बेहतर हो सकता है, उसका राजनीतिक भविष्य कहां हो सकता है। अब बहुत सारी बार ये चर्चा बार बार होती है, हम लोग चर्चा भी करते हैं, विपक्ष के नेता बार बार चर्चा करते हैं कि ईडी सीबीआई के दबाव के कारण ये काम हो रहा है। अभी जो आपने खबर बताई कमलेश जी की मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई ईडी सीबीआई का अभी कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो आज मध्य प्रदेश में विधानसभा, और वो भी कमलनाथ जी की सीट है छिंदवाड़ा, जहां कांग्रेस का गढ़ है, जो सीट पिछली बार अकेली एक सीट थी 29 में से जो कमलनाथ जी ने या के दबाव, मतलब प्रभाव से वहां पर जीती है कांग्रेस ने, उस सीट के एमएलए यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस नतीजे को देख रहे हैं कि क्या ये सीट भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाली है या कांग्रेस उस पर पकड़ कमजोर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का तो हिस्सा ही, कोई भी पार्टी चाहती है कि अपने संगठन को, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा मजबूती दी जाए, लेकिन लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वहां पर ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा ब्राइट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विश्वास हासिल कर पाने में आगे दिखती है। विजय जी बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी के लिए।
आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 3 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब पसीना बहाते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में हैं, टीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इसको खंगाला। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी, इस रिपोर्ट के बाद भी देखना ना भूलिए हमारा खास प्रोग्राम चुनावी चकलस आर्यन्द्र प्रताप सिंह के साथ। तो देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरे हैं। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस बार के चुनावी समर में हैं। सबसे पहले बात भाजपा के दिग्गजों की करें तो MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपनी उसी विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से MP का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार सांसद चुने गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट मंडला से चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर पार्टी ने टीकमगढ़ से ही प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से ही एक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे पिछली बार गुना से ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हारे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर खजुराहो से चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाई थी कि बहुत सारे लोकसभा के जो सांसद थे उनको विधानसभा में टिकट दिया था और जो जीत गए थे उन्होंने सब इस्तीफे दे दिए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 2 सांसदों को टिकट दिया है जो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जातिगत समीकरण वाली रणनीति, उस पर वो अमल कर रहे हैं टिकट वितरण में भी, और पूरी ताकत इस बात पर झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत सके। अगर बात कांग्रेस की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनाव हारे MP के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री